नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अप्रैल से बदले जाने वाले नियमों के बारे में। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, लगातार हो रहे परिवर्तन को ही हम एक नए बदलाव के रूप में देखते हैं। हमारा जीवन भी एक डिसिप्लिन के तहत चलता है, जिसमें हमें 24 घंटे के अंदर अपने एक दिन की दिनचर्या को पूरा करना होता है। उसी तरह से हमारे पास एक महीना है और एक साल है। हमने पहले ही कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसे में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता ही है, जिसका संबंध देश के हर आम और खास लोगों को होता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू हो रहे फाइनेंशियल ईयर में आपके जीवन से जुड़ी हुई किन किन नियमों में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को लगेगी कोरोना वैक्सीन। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच में सरकार ने टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 साल पार कर चुके हर व्यक्ति के लिए टीकाकरण का रास्ता साफ कर दिया गया है। इससे पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण दिया गया था। 8 बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा असर। 1 अप्रैल से जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है 8 सरकारी बैंकों का विलय। इनमें जो बैंक है वो है देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। इन बैंकों का दूसरे बैंक में विलय होने के बाद से इनके ग्राहकों का चेकबुक पासबुक बदल जाएगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपके लिए ये खबर बहुत ही जरूरी है। रसोई गैस के दाम में हो सकती है वृद्धि। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। बिहार में रसोई गैस की कीमतें पहले ही 900 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में अब एक बार फिर से लोगों की नजर गैस की कीमतों पर रहने वाली है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली की दर में होगी वृद्धि। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिहार में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दर में 0.63% की वृद्धि को अनुमोदित किया गया है। आयोग के फैसले से बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इससे पहले बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,403.05 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। 1 अप्रैल से अब कार में जरूरी होगा डबल एयरबैग। सरकार ने अब वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों के आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। आपको बता दें कि इसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने सुझाव भी दिया था। इसके साथ ही पुराने वाहनों को 31 अगस्त 2021 से मौजूदा मॉडल में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद 1 अप्रैल से कार और बाइकों की कीमतों में भी होगी बढ़ोतरी। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मारुति सुजुकी समेत तमाम ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल 2021 से 2 एयरबैग की अनिवार्यता लागू कर दी है। इससे कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। फिलहाल की बात करें तो मारुति, निसान, रेनॉल्ट के अलावा हीरो जैसी दोपहिया कंपनी दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से टीवी, एसी और स्मार्टफोन की कीमतों में होगी वृद्धि। गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि के साथ ही अब 1 अप्रैल से टीवी, एसी और स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। माना जा रहा है कि चीन से पुर्जों के आयात में कमी के चलते टीवी के दाम 2000 से 4000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसी के बाजार में भी कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिल सकता है। बजट में हुई घोषणा के अनुसार चार्जर, अडैप्टर, बैटरी और मोबाइल पार्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। ऐसे में ये सभी चीजें अप्रैल महीने से महंगी होगी। 1 अप्रैल से बदल जाएगी पैकेट बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए नियम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालक FBO के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस या पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यह देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। PF के नियमों में होगा बदलाव। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद से एक वित्त वर्ष में अब 5 लाख रुपए तक निवेश
करने पर इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप उससे ज्यादा निवेश करते हैं तो एडिशनल अमाउंट के ब्याज में कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में इंटरेस्ट रेट 8% है और इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह से फ्री है। ऐसे में यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो रही है। इनकम टैक्स नियमों में होगा 1 अप्रैल से बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ITR से जुड़े कई सख्त नियमों का प्रावधान किया है। सरकार ने इस बार उन लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है जो TDS बचाने के लिए ITR फाइल ही नहीं करते हैं। आप भी ऐसा अगर करते हैं तो संभल जाइए, यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। 1 अप्रैल से बदल जाएगी आपकी सैलरी स्लिप की डिटेल्स। 1 अप्रैल से सरकार नया वेज कोड लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस नियम का असर निजी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों पर सीधा पड़ेगा। इस नियम के तहत प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिससे सैलरी कम हो सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिया जाने वाला अलाउंस कुल सैलरी से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर करने पर करना होगा invoice। केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार करने वाले कंपनियों के लिए 1 अप्रैल से B2B यानी कि कंपनियों के बीच लेन देन को ई इनवॉइस निकालना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना में कहा है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई इनवॉइस 1 अप्रैल से लागू करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के बदल जाएंगे ये नियम। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि 1 अप्रैल से इंडियन पेमेंट बैंक ने अब निकासी जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। अगर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो हर महीने आप 4 बार निकासी फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या वैल्यू के आधार पर 0.50% चार्ज के रूप में काटा जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू होगा केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया है। एडमिशन से जुड़ी हुई प्रक्रिया kbsonlineadmission.kbs.gov.in पर दी गई है। एडमिशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल को 10 बजे से शुरू होगी और 19 अप्रैल को शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से हेल्थ इंश्योरेंस अब नहीं होगा महंगा। मीडिया में यह खबरें चल रही थी कि 1 अप्रैल से मेडिकल इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पॉलिसी होल्डर्स को कुछ राहत देते हुए सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव या नए बेनिफिट जोड़ने का हवाला देकर प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।